कप्तानगंज थाना पर तैनात एक दरोगा को एक मामले में पैसा लेने के आरोप में सोमवार को एसपी के निर्देश पर गिरफ्तार कर लिया गया। दरोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि किसी लड़की का मामला कप्तानगंज थाने पर आया था। थाने पर तैनात दरोगा मोहन प्रसाद इस प्रकरण की विवेचना कर रहे थे। दोनों पक्षों को उन्होंने थाने पर बुलाया था, जहां एक पक्ष से 30,000 रुपए लेकर उन्होंने मामले को रफा दफा कर दिया, जिसकी शिकायत दूसरे पक्ष ने किया था, जिस पर कप्तानगंज थाने में ही दरोगा मोहन प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। एसपी के निर्देश पर कप्तानगंज थाना पुलिस ने आरोपी दरोगा को पकड़कर लॉकअप में डाल दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसपी के निर्देश पर इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जनपद आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अमिलाई गांव के निवासी संतोष कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि थाना कप्तानगंज पर नियुक्त उप निरीक्षक मोहन प्रसाद द्वारा उनको थाने पर बैठाया गया और इसके बाद 30,000 रुपये लेकर उनको छोड़ा गया। इस प्रार्थना पत्र की जाँच क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर को दी गई थी। क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई जांच के आधार पर यह प्रथम दृष्टया सत्यापित हुआ कि आरोप सही हैं, जिसके आधार पर कप्तानगंज में मुकदमा अपराध संख्या 87 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कायम कराई गई। इस मुकदमे की विवेचना COCT आजमगढ़ द्वारा की जा रही है। आज दिन में 12 बजे साक्ष्यों के आधार पर COCT द्वारा पुलिस टीम लेकर थाना परिसर कप्तानगंज से उप निरीक्षक मोहन प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। विवेचना जारी है, आगे जो भी डेवलपमेंट होंगे वो बताए जाएंगे। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।